तो आज हम आपको शोल्डर की एक्सरसाइजेस सिखाने वाले हैं। अगर आपको रेगुलरली शोल्डर्स में पेन होता है, आपके अगर शोल्डर स्टिफ है या आपको फ्रोजन शोल्डर्स हैं, तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपको दिन में दो बार करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश शाफ्रम, आरएस योगा। और आरएस योगा एक योगा स्कूल है जहाँ योगा के माध्यम से हम आपको काफी सारी चीजें सिखाते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर वन, आपको दोनों हाथ को ऐसे ज्वाइन करना है, एल्बो से लेकर स्मॉल फिंगर टिप्स तक। मैं आपको सारे एक्सरसाइज बताता हूँ। और मेक श्योर दोस्तों, जब आप करते हैं तो एक्सरसाइज, तो आप ये हाथ बिल्कुल खुले नहीं, हाथ हमेशा पूरी तरह से जुड़े हुए रहे, इस तरह आपको जुड़े रखना है। और आपको हाथ को ऊपर की ओर आपको पुश करना है। आपके हाथ खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको उन्हें दबा के रखना है और आपको ऊपर आपके फिंगर्स को देखना है। और हमें इसे 10 काउंट्स तक होल्ड करना है। 10, 9, 8, 7 हाथ को ऊपर पुश करते रहना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। आपको शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। ये इस तरीके का प्रेशर है दोस्तों कि जो हमारे शोल्डर की स्टिफनेस है उसको पूरी तरह से रिलीज कर देता है और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा देता है। हम एक और बार करेंगे। और याद रखिएगा, आपको हाथ को हेड के ऊपर नहीं डालना है, हाथ को स्ट्रेट ही रखना है और ऊपर की तरफ पुश करना है। वापस एक बार रिपीट करेंगे। 10, 9 डीप ब्रीदिंग करें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और स्लोली रिलीज करें। एक्सरसाइज नंबर 2, आपको आपके फिंगर टिप्स को आपके शोल्डर्स पे रखना है। यहाँ पे दोस्तों हमारे क्लाविकुलर मसल्स होते हैं जो हमारे ब्रीदिंग के लिए भी यूज करते हैं। और जो भी एक्सरसाइज करेंगे हम हमेशा उसमें हमारी ब्रीथिंग भी कनेक्ट करेंगे मूवमेंट्स के साथ। तो एल्बोज को पूरी तरह से नीचे लेना है, सॉफ्ट फिंगर टिप टच करना है, इनहेल ऊपर लेने है हाथ, 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल पूरी तरह से ऊपर पुश करने की कोशिश करनी है, एक्सहेल पूरी तरह से डाउन, 2, 3 इनहेल एक्सहेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लास्ट टाइम इनहेल, 10। इसमें अभी आगे हमें ये करना है, सेम तरीके से हमें यहाँ पे शोल्डर्स को पकड़ना है और इनहेल एल्बोज जॉइन करना, एक्सहेल पीछे पुश करना, 1, इनहेल, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स करें। शोल्डर्स को करते हो हमें कुछ इस तरह से पुश नहीं करना है, इसे हमारे शोल्डर मसल स्ट्रेस होते हैं। 3rd one, यहां से हमें सर्कल्स बनाने हैं, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा हमें एल्बोज को जॉइन करना है और ये 5 times करना है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2। अगर एल्बोज जॉइन ना हो तो हमें पुश करने की कोशिश करनी है दोनों एल्बोज को एक दूसरे की तरफ, 3, 4, 5। अभी रिवर्स करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1, 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स करें। आपके शोल्डर्स में आपको थोड़ा सा हल्का समय भी स्ट्रेच या पेन जरूर फील होगा। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पर,
एक्सरसाइज नंबर थ्री के लिए हमें एक प्रॉप की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम एक बैंड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेच बैंड। अगर आपके पास स्ट्रेच बैंड ना हो तो आप, अगर थेरा बैंड है तो आप थेरा बैंड भी यूज कर सकते हैं, या आप कोई रोप, कोई बेल्ट, कोई भी दुपट्टा वो भी यूज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए है। तो इसे कुछ इस तरह यहाँ से होल्ड करना है, पुल करना है, ओके, और इनहेल अप और एक्सहेल डाउन, और वापस इनहेल अप एक्सहेल डाउन। इसे हमें 10 टाइम्स करना है। इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। टू, अगर स्ट्रेच आपको ज्यादा आ रहा है तो हाथ को थोड़ा दूर कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेच कम आ रहा है तो हाथ को आप नजदीक कर सकते हैं। कंटिन्यू करें, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। थ्री, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। फोर, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। फाइव मोर, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। सिक्स, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन। सेवन, थ्री मोर, एट, टू मोर, नाइन, लास्ट वन, टेन, एंड रिलैक्स। हमारे शोल्डर ओपनिंग के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगली, फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज में हमें एक ऐसा ब्लॉक लेना है। अगर आपके पास ब्लॉक ना हो तो आप वाटर बॉटल, कोई बुक, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको हाथ को कुछ इस तरह से स्ट्रेट रखना है, मैं साइड एंगल से दिखा रहा हूँ। ब्लॉक को पकड़ना नहीं, बस अपने पाम्स में बैलेंस करना है, और हाथ को, एल्बो को पूरी तरह से स्ट्रेट रखना है, एल्बो को बिल्कुल बेंड नहीं करना है, और इसे हम 60 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, last, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, relax करें। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। सेम चीज हमें दूसरी साइड करनी है, तो अभी लेफ्ट हैंड पे, और ब्लॉक को पकड़ने की कोशिश ना करें, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, डीप ब्रीदिंग करें, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, last 10, 9,
एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स। तो ये थी सारी शोल्डर की एक्सरसाइजेस जिसमें आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी, स्टिफनेस दूर होगी और फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपके शोल्डर्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और थोड़ा से भी कुछ करते हैं तो आपको पेन होने लगता है तो आप फिर भी आपको एक्सरसाइज करनी है, बट काफी आप काउंट्स कम कर दें और बहुत ही लाइटर नोट पे सारी एक्सरसाइजेस करें। शोल्डर के साथ उसके नेबरिंग मसल्स की भी आपको एक्सरसाइज करनी है। हमने एक दूसरा वीडियो बनाया है नेक एक्सरसाइजेस पे, शोल्डर का नेबर इज द नेक मसल्स, तो नेक मसल्स के भी स्ट्रांग होने से आपको शोल्डर की स्ट्रेंथ में काफी डिफरेंस देगा। तो ये सारी एक्सरसाइज को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो शोल्डर की पेन की कंप्लेन करते हैं या जिनको शोल्डर के इश्यूज हैं, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबाने से आपको ऐसे हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। योगा स्कूल रितेश शाह, RS योगा।